देखना इधर अजगर भी है ना, ये दिख रहा है। झारखंड एंजॉय करते हुए तो दोस्तों हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई संबलपुर, अमरावती से संबलपुर। संबलपुर हम पहुंचेंगे कल दोपहर में। रात भर अपने को गाड़ी चलाना और सुबह ट्राई करना है अपने को रायपुर की नदी में। अपन मिलेंगे सन कुमार के साथ, काफी बड़े बड़े स्नेक हेड पकड़ते हैं वो भी नदी में, तो अपन सुबह उनसे मिलने वाले हैं एकदम सवेरे सवेरे, हो सकता है मतलब 4 बजे, सुबह 4 बजे। और भाई सन कुमार है ना आपका नाम? प्रहलाद कुमार। ये मेरा भाई गणेश। गणेश भाई, गणेश तारक जी। अच्छा अच्छा, आप भी के थोड़ा हेयर स्टाइल में रहते हैं। अच्छा अच्छा, आप ही की तरफ भी। दोस्तों संबलपुर के लिए निकले हैं, रायपुर में एंगलर से काफी धमाल करते हैं इधर सन कुमार भाई है, जो इनका चैनल का नाम है भक्का फिशिंग। तो अपन जब दिन निकल जाएगा, अभी अपन साथ में शिकार करने वाले, ट्राई करने वाले हैं। यहाँ पे नदी है, बड़ी नदी, महानदी बोलते हैं ना जी, जी। महानदी में हम ट्राई करेंगे, यहाँ कुछ देर रुकेंगे, देखते क्या लगता है, उसके बाद फिर रवानगी अपने संबलपुर का रहेगा। नीचे नदी की तरफ देखना है, एक लड़का है वहाँ पे नारायण, वहाँ ना बड़ा यानी कि हीराकुंड डैम। अच्छा भाई, संबलपुर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ वालों को, खास करके अपने ये सन कुमार भाई को। ये हमारे बहादुर भाई, इनका चैनल का नाम क्या है? बाबू भात फिशिंग। बाबू भात फिशिंग। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं सोचा नहीं था इतना बेहतरीन वेलकम करेंगे यहाँ छत्तीसगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सभी भाई को, पूरी टीम को, स्पेशल जो सन कुमार भाई से अपना कॉन्टेक्ट हुआ था तो इनके कारण सबसे मिलने का चांसेस मिल रहा है। तो आप मिलते हैं स्पॉट पर। अरे करण, अरे और कैसे? बढ़िया, बस आप ही का इंतज़ार था। अरे क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे करण भाई, ये इनका काफ़ी स्लिंग शॉट का वीडियो बना चुके हैं, ये स्लिंग शॉट में काफ़ी धमाल किए इन्होंने, अक्सर मेरे को टैग करते थे, इंस्टाग्राम में भेजते रहते थे। तो चलो अभी इनके स्पॉट में आए छत्तीसगढ़, और देखो स्वागत, कितना स्वागत हो रहा है, अपन सोचे भी नहीं थे इतना सारा स्वागत होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको, पूरे टीम को करना चाहूँगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें, और भाई सपोर्ट करें सबको, आपके सपोर्ट की जरूरत है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, है ना, संगवारी हो दोस्तों। देखो संगवारी हो, हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल में बहुत बड़े माहिर शिकारी आए हैं, हमारे कलीम भाई, बहुत बेहतरीन शिकारी के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है रे भाई। हमारे मन जैसे छोटे क्रिएटर मान लो इतना दूर मिले बार आए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, इतना बेहतरीन स्पॉट है। स्पॉट देख के ऐसा दिल बोल रहा ना, ऐसा दिल बोल रहा यहीं बस जाना करके। स्नेक हेड के मामले में आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, जहाँ तक जाएगी नज़र, पूरा स्नेक हेड का ही इलाका है। जैसा अपने को स्पॉट चाहिए रहता ना, कोई भी बड़ा डैम में जाओ तो जैसा स्पॉट चाहिए रहता ना, ये नदी में है भाई। भाई यहाँ से मैं आपको अगर बताऊँगा जूम करके तो स्पॉट आप देख सकते हो, यार खजाना है, बाप रे कहाँ तक देखोगे, इसमें पूरी भरमार है स्नेक हेड की, इतना दूर तक है, बाप रे। वो जो बांध दिख रहा सामने, वहाँ तक की पूरे चीला कजदान है। ये इलाके में फ्रॉग बहुत है, जो अपना नेचुरल फ्रॉग रहते हैं बहुत ज़्यादा है, और स्नेक हेड उसका ही शिकार करते हैं। तो ये फर्स्ट कास्टिंग करने जा रहा हूँ मैं, आखिरी छोर में जहाँ तक मेंढकी जाता है ना वहाँ पर है। अरे वहीं गिर गया, डर गया होगा अब, एक्चुअली वहीं गिर गया, लास्ट मेंढकी वहीं तक जा रहा है, वहाँ से फेंक तो रुको।
टैग मारा। देखो एक हाँ क्या कबरा है ना, कबरा स्नेकेड। क्या साइज किलो भर का है, मरल है ना। यहाँ एक है पतिया दिखा रहा हूँ ना, वहाँ आ भाई आ रहा आ रहा। एक फाइनली अटैक हुआ। बहुत हिसाब से मारना पड़ा इसको। हाँ फाइनली दोस्तों कामयाब हो गए। यहाँ पे एक अटैक हुआ, अच्छी साइज का अटैक हुआ यार, जिसके लिए आए थे आखिरकार हुआ। ये देखो, अरे यार साइज कलर कितना प्यारा है, एकदम हटके है भाई, बेहतरीन। लंबी मरल है यहाँ की, प्रिंट थोड़ा चेंज है, कुछ कुछ थोड़ा राजस्थान की तरफ से छिट्टे छिट्टे जो आते हैं ना वो प्रिंट है। ये देखो पूरा क्रेडिट अपना सन कुमार भाई का जाएगा। अरे ये कहाँ घुस रहा है यार कचरे। अरे ये तो कचरे में घुस गया। किधर से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा इधर ही। यही है ये बता, ऐसे तो नहीं साफ है यार। देखना इधर अजगर भी है ना, ये दिख रहा है क्या, यही है ना। डर लग रहा है। तो ये पहला पीस अपना इसको रखते हैं, इनके हवाले कर देते जिनके इलाके का मरल है ये, वरना फिर भाग जाएगा। दूसरे के लिए तैयारी करते हैं अपन, क्योंकि स्पॉट बहुत बेहतरीन है और ये सवेरे सवेरे ही खेल होगा। एक आधा और आवाज़ सुनते हैं किधर चाल वगैरह हुआ तो। यहाँ पहला फ्रॉक होगा जो इस पे लगा है, नहीं तो पूरा दुश्मन ही चलाते इधर। आगे है रास्ता, फ्रॉक दूसरा चेंज करते दोस्तों, छोटा फ्रॉक देखते लगाते। ऐसा मेंढक वहाँ रखना पड़ा एक्चुअली, कैसा धागे से डर गया था ये तो। फ्रॉक कितना छोटा है आप देखना। अरे ये इसका अलग प्रिंट है क्या, फ्रॉक देखो कितना छोटा है। एक्चुअली ये धागे से डर गया था तो मैं वहाँ रहने दिया फ्रॉक, और कैमरा भी मेरा बंद था तो वो चालू करने के चक्कर में बस वहाँ से सटकाया कि फटाक करके पकड़ा। इसका प्रिंट अलग है। फ्रॉक कितना छोटा है, इतना छोटा पकड़ने में जरा भी संकोच नहीं करती है मरल, फटाक करके पकड़ दी। बड़ा रहे तो जरा डरता भी है, लेकिन ये देखो इसका प्रिंट अलग है। ये देखो ये नदी में बहुत प्रकार के स्नेकहेड है, मतलब जितना चाहे अपन उतनी प्रकार के स्नेकहेड देख सकते। अभी दो पकड़ा हूँ, दो अलग अलग प्रिंट के है ये। सन कुमार भक्का फिशिंग, भक्का अपना पेट नेम क्या बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं भक्का, तो वो हिसाब से नाम है भक्का फिशिंग है ना जी, निक नेम है, निक नेम भक्का फिशिंग। ठीक भाई
ये देखो यार फ्रॉग, कितना सा फ्रॉग है ये देखो, मेरी उंगली के बराबर। चलो तो यार यहाँ से निकलते हैं, संबलपुर की तैयारी करते हैं। यहाँ दो मरल लगे अपने को, स्नेक हेड ठीक ठीक साइज है, ठीक ठाक साइज, पांच हो गए टोटल है ना। दो मछली और वो तरफ मारे है संगवारी मन है, और वो तरफ रखे है। भाई देखो आज की शिकार हमारे भाई आ रही है इस स्पॉट में, दो फीस मारे बड़े बड़े साइज से। भाई मेरा तो जर्नी चालू रहेगा, यहाँ से संबलपुर निकलने वाला हूँ, तो दो टाइमिंग ज़्यादा नहीं, बस दो घंटे खेले अपन ने यहाँ पे, दो पीस पकड़ा। मौसम भी साथ नहीं दिया, अगर धूप रहता था ना तो अटैक होते थे। अच्छा काफ़ी मज़ा आया, सबसे मिला काफ़ी मज़ा आया। ठीक है संगवारी हो, भाई आज आवा थे संबलपुर, तो नेक्स्ट वीडियो मिलो भाई से संबलपुर के लिए, जा संबलपुर के लिए। ठीक है भाई, आपको पहला वीडियो देखा था मैं जब 900 सब्सक्राइबर आपके थे ना, तब से देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे रे बाप रे, इंस्पिरेशन हो आप। हाँ ले, अरे रे शुक्रिया भाई शुक्रिया। संबलपुर स्पॉट देखो यार, क्या गजब है नजारा, चारों तरफ घुमाओ जमीन। हाय नारायण भाई। हाँ ये हमारे नारायण भाई हैं। यहाँ पे कोई भी एंगलर है ही नहीं और स्नेक हेड फिशिंग के लिए, बस नारायण भाई ने लोकेशन ढूंढ के बताया, हम ट्राई करेंगे टेस्ट करेंगे, जगह तो एक नंबर का है। और वाटर लेवल भी डाउन हो, तो आप छड़ी लाए नहीं? छड़ी हमारा वो पोर्टेबल वाला है जो ऐसे। अच्छा अच्छा, ये अभी रखो तुम। नहीं मतलब एक तो शिकारी होना ना अपडेट देने के लिए, कैसे करते एक ही हाथ से फेंकते? अच्छा दोनों हाथ से फेंकते हो क्या? वो लंबा आपका हैंडल लंबा नहीं है ना? हाँ, हाँ। तो जहाँ चाहते वहाँ नहीं जाता ना ये, तो दो से रहे ना, दो से रहे तो अपने को वो गाले में करना है, तो वैसा जाता है। सुबह के टाइम में तो क्या नज़ारा रहता होगा इधर, इस टाइप का लोकेशन अच्छा है। इसमें महासीर नहीं होगी? इसमें ये भी होगा ना पड़न वल्लागू अट्टी, दो मूछे रहते उसके। अच्छा सिंगट सिंगट सिंगाड़ा पड़न फिश वगैरह इसमें भी होगा ना, पानी बहता है यार इधर से, होगा तो रास्ता नहीं तो। हाँ होगा इधर से, धूप बिल्कुल भरपूर हो गया है। ये दिखा ना दिखा ना, बड़ा है। धड़का है रखना है, उसके आँख में लग गया। आपको मछली पकड़ते हुए कितना साल हो गया है? मैं बचपन से पकड़ता हूँ मछली, बचपन से। और एक तो है उधर। ए भाई तू रहना इधर, तेरे को लेके जाऊंगा ना इधर। भाई आपके पास तो खजाना है यार, यही देखो यही है, लेकिन नहीं पकड़ेगा मेरे ख्याल से। सोने का लोकेशन है इधर। हाँ ना बहुत है बहुत है, कभी खत्म नहीं होगा। नारायण और मैं एक्चुअली उधर देखने को गए थे, इधर अटैक नहीं हो रहा, बेहतरीन कलर देखो एकदम अलग कलर लगा। सूट से यार थोड़ा सा दिक्कत हो गई, कैमरा बंद था, जमीन सब इधर ही था, इनको बोला था आराम करो, सब थके हुए थे रात में, कोई नहीं सोया था, तो हम चेक करने गए तो दो ये देखो लगे हैं, कितना बेहतरीन साइज। जो भी है अब अपडेट तो दे दिया मैंने, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, अब झारखंड का बाकी है। नारायण भाई इनके वजह से पॉसिबल हुआ, भाई को मिल से बहुत खुशी हुई। इनके वीडियो अक्सर हम देखा करते हैं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलते हैं। आप भी चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। ये अपना नारायण भाई का रॉड है, यानी एक बड़ा लग गया तो गया समझ लो, तो अपग्रेड करेंगे इनका रॉड रील का। तो अपना नारायण भाई का चैनल का नाम है
फिशिंग सॉल्यूशन जी, फिशिंग सॉल्यूशन हीराकुड डैम के जो फिशिंग वीडियोस हम छोड़ा करते हैं उस चैनल्स में। दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है मालूम है क्या, ये डैम का नीचे का हिस्सा है और इसमें भी गेट है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि सुबह पानी यहाँ तक था, सुबह यहाँ पानी था, ये हरा घास दिख रहा है, सुबह यहाँ तक पानी था बिजली बनाने का। हीराकुड डैम का जो पावर चैनल है उसी के पानी निकलता है इधर। अच्छा, और जो टरबाइन का जब गेट बंद हो जाता है इधर का पानी का लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, 4-5 घंटे उधर टरबाइन को बंद करना पड़ता है ताकि अगले दिन के लिए फिर से वो टरबाइन अच्छे से काम करे, नहीं तो जैसे हमारे इंसान में भी कोई कमियां रहती हैं, हर घड़ी काम करेंगे तो थक जाते हैं, जैसे मशीन वो भी तो मशीन है ना, वो भी थक जाएगा, इसी कारण वो बंद कर दे। तो इसी कारण जब बंद कर देना लेवल नीचे का, तो पानी जो आउट है आउटलेट वो चालू ही रहता, तो लेवल एकदम कम ज़्यादा होता। यकीन मानो इतना मरल है, इतने बड़े बड़े साइज मैंने देखा घूट लेते हुए, लेकिन मछली स्टेबल नहीं रह पा रही। जब इतना पानी भरता तो उसका एरिया अलग हो जाता, और अभी जब कम हो गया तो एरिया अलग हो गया। स्नेक हेड के लिए कैसा है एकदम अस्थिर होना, वो अपना एरिया बनाता है और वो शिकार के लिए घात लगाता है, वो क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है तो खुद ही उथल पुथल हो रहा है, वो खुद ही कन्फ्यूज है, इसके लिए अपना फ्रॉग उतने अटैक नहीं कर रहे। बाकी मछली तो इतना स्नेक हेड भरमार है, पूरे भर भर के भरा हुआ है, पूरा भर भर के पड़ा हुआ है, तो यही दिक्कत थी। सुबह यहाँ तक पानी था, अभी इतना पानी है, इसके लिए दिक्कत गई, नहीं तो बहुत अटैक होते थे। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे, कुछ एरिया ऐसा ढूंढेंगे नेक्स्ट टाइम में, अपन डैम में लगे तो चले जाएंगे, डैम का पानी तो डैम का निचले हिस्सा, डैम का इधर ऐसा हिस्सा नहीं होगा डैम में, कहीं पे डैम के ऊपर पे भी है। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम में, आज का भी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बरगर कैनाल है, उसी के कैनाल में भी बहुत सारे मछली लगते हैं, डैम से जो बरगर की ओर जो कैनाल गया है ना, उस जगह पे भी इस टाइप का घास लगा हुआ है ना, उस जगह पे भी बहुत सारे मछली होते हैं मरल का। तो चलो भाई नेक्स्ट टाइम क्या मिलता है देखते हैं, सब्सक्राइब। नारायण को गिफ्ट, मच्छी गिफ्ट दे के भेज रहे, बेहतरीन। जय जोहार, जय उड़ीसा, जय जोहार। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, भाई से मिलने के बहुत दिनों से ख्वाहिश थी, आज पूरा हो गया भाई। चलो बहुत बहुत शुक्रिया नारायण भाई।